सिर्फ एक लड्डू आपको देगा ढेर सारा कैल्शियम, विटामिन, मिनरल और प्रोटीन। इतना सुंदर और स्वादिष्ट लड्डू बनाना एकदम आसान, वो भी बिना चीनी, बिना चाशनी और बिना गुड़ के। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि व्रत भी शुरू होने वाले हैं और सर्दियां भी आने वाली है, ऐसे में ये लड्डू आप पहले ही बनाकर रख लीजिए, फिर चाहे व्रत में खाइए या पूरी सर्दी खाइए। आप इन्हें एक बार बना करके पूरे 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन और बैक पेन, सभी चीजों में बेहद फायदा करने वाला, बच्चों की मेमोरी तेज करने वाले, हड्डियों को मजबूत बनाने वाले और एनर्जी और इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले हैं ये लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक भारी तले की कढ़ाई या पैन ले लीजिए। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। लड्डू या मिठाई घी में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। मीडियम फ्लेम पर घी को गर्म कर लेंगे और यहाँ सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कटोरी टूटे हुए काजू। काजू को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, चाहे तो आप टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं। मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई भी स्टील की कटोरी या कप ले लीजिए। पूरे लड्डू का माप फिर आप उसी से ले लें। बहुत ही इजीली और परफेक्ट रेशो के साथ आपके ये ड्राई फ्रूट लड्डू घर में ही तैयार हो जाएंगे। काजू को भी लो मीडियम फ्लेम पर हल्का सा हमें भूनना है। काजू हमारी बोन्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, तो घर के बच्चे हो या बड़े सभी को जरूर खाने चाहिए। यहीं पर अब इसमें मैं डाल रही हूँ उसी कटोरी के माप से 1 कटोरी बादाम। तो बादाम को भी मैंने देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इस तरह कट करेंगे ना तो देखने में लड्डू बड़े सुंदर बनेंगे। आप इन्हें बहुत फाइन भी पीस सकते हैं या इसी तरह भी कट कर सकते हैं। बादाम और काजू को हल्का सा बस हमें रोस्ट करना है कि इनमें बढ़िया टेस्ट आ जाए, कच्चापन निकल जाए, मॉइस्चर निकल जाए और जो हमारे लड्डू हैं फिर वो ज्यादा दिन तक चल पाए। बादाम की खूबियां हम सभी जानते हैं, बोन्स स्ट्रांग करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हार्ट स्ट्रांग बनाते हैं, ब्रेन हेल्थ इंप्रूव करते हैं, यानी कि वो जो शिकायत होती है ना बार बार भूल गए सामान रखकर, तो बादाम जरूर खाइए, याददाश्त तेज होती है उससे। और ये देखिए बादाम और काजू हल्के से भुन गए, बस इससे ज्यादा इसको बिल्कुल नहीं भूनेंगे, इसको निकालेंगे एक प्लेट में। अब इसी बचे हुए घी में मैं यहाँ ले रही हूँ मगज के बीज। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मगज के बीज लिए हैं, जिसे आप खरबूजे के बीज या मेलन सीड्स भी बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स अपने मन के आप यहाँ कोई भी ले सकते हैं, कोई भी हटा सकते हैं जो ना पसंद हो। अखरोट लेना चाहें तो अखरोट भी डाल सकते हैं। अब ऐसे बच्चों को अगर हम रोज में इस तरह सिंपल ड्राई फ्रूट्स देते हैं तो कोई खाना नहीं चाहता, रखे ही रह जाते हैं, हमें भी टाइम नहीं मिल पाता। पर लड्डू आप इस तरह बना लेंगे तो एक बहाना मिल जाता है कि खाने के बाद या सुबह नाश्ते के वक्त एक लड्डू खा ले। साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ बहुत ही हेल्दी 1 कटोरी पम्पकिन सीड, जिसे कद्दू के बीज भी हम बोलते हैं। दोनों ही सीड्स बेहद हेल्दी होते हैं, खूब सारे विटामिन, मिनरल और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, तो इन्हें आप जरूर ऐड करें और अपने डाइट में भी हमें इन्हें जरूर शामिल करना चाहिए। फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे। अच्छा, ये जो मैंने कद्दू के बीज लिए हैं, जिनको स्लीप की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आ पाती है गहरी, उसमें भी ये बहुत फायदा करते हैं। और ये देखिए आपको ये हल्के फूले फूले दिख रहे होंगे, चटकने की आवाज आ रही होगी, इसका मतलब जो हमारे बीज है वो बिल्कुल बढ़िया फ्राई हो गए हैं। तो इस स्टेज पर इनको भी हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर घी को वापस से गर्म कर लेंगे। अब यहाँ जो नेक्स्ट चीज मैं ले रही हूँ वो है 1/2 कटोरी किशमिश। किशमिश हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, बेहद फायदेमंद है हमारे डाइजेशन के लिए और आंखों की रोशनी के लिए। तो किशमिश को भी यहाँ पे हल्का सा हम फ्राई करेंगे और किशमिश के साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 कटोरी पिस्ता। तो जो कटोरी आपने सेट की है उसी से 1/2 कटोरी किशमिश लें, 1/2 कटोरी पिस्ता लें। पिस्ता मैंने बारीक कट कर लिया है इस तरह से, और जैसे मैंने बताया जो भी चीज आप स्किप करना चाहें उनको हटा सकते हैं। हल्का सा ही दोनों चीजों को रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं, इतने सारे ड्राई फ्रूट से बने हुए होते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हेल्दी तो है ही। हमारे किशमिश और पिस्ता भी भुन गए हैं, बस हल्का हल्का रोस्ट करना है, इनको भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ वो है 1 कप कद्दूकस करा हुआ नारियल। तो ये सूखा वाला जो नारियल होता है जिसे हम गोला बोलते हैं, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल होते हैं, नारियल में बहुत सारा फाइबर होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ ना नारियल की मात्रा आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। अच्छा, घी और ज्यादा डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, नारियल में अपना ही ऑयल होता है, तो डायरेक्ट इसी तरह डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे कि कलर ना चेंज हो पर बढ़िया खुशबू आ जाए। और यहीं पर मैं डाल रही हूँ एक और जबरदस्त हेल्दी चीज, और वो है
एक चौथाई कटोरी यानी आधा कप से थोड़ा कम खसखस, जिसे हम पॉपी सीड भी बोलते हैं। खसखस को भी नारियल के साथ हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। खसखस शरीर के दर्द में बेहद फायदा करती है, बोन डेंसिटी बढ़ाती है, पेन रिलीवर है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तो बस हल्का सा ही रोस्ट करेंगे 2-3 मिनट। लीजिए, हमारा नारियल और खसखस भी बिल्कुल बढ़िया रोस्ट हो गए हैं, तो ये भी हम निकाल लेंगे। सभी चीजों को आप एक ही बर्तन में निकालते जाएं। अब वापस से उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। ऐसे मान के चलिए पूरे लड्डू में लगभग सिर्फ 4 चम्मच के करीब घी लगने वाला है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब यहाँ हम लड्डू बनाने वाले हैं बिना चाशनी, बिना चीनी, बिना मिश्री, बिना गुड़ के। तो मैं यहाँ ले रही हूँ नेचुरल शुगर यानी कि खजूर, जिन्हें हम डेट्स भी बोलते हैं। तो ये जो सॉफ्ट वाले खजूर होते हैं, ये मैंने वो वाले लिए हैं। तो बस बीज निकाल करके मैंने इन्हें मिक्सी में चला करके इस तरह से इनका पेस्ट बना लिया, पानी बिल्कुल ना डाले। तो 1.5 कटोरी खजूर हम यहीं पर डाल देंगे और घी के साथ इन्हें भून लेंगे, जिससे कि जो भी मॉइस्चर हो वो भी निकल जाए और खजूर का टेस्ट बढ़िया आए। यदि आपके पास सूखे वाले खजूर हो तो आप उन्हें पहले ही गर्म पानी में भिगो दीजिए, और भिगो करके जब वो सॉफ्ट हो जाए तो बीज निकालकर मिक्सी में डालिए और थोड़ा पानी डाल करके उनको पीस लीजिए। उसके बाद घी में बढ़िया से भून लीजिए, जिससे कि मॉइस्चर निकल जाए और वो बढ़िया से पक जाए। अच्छे से इसको भून लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया शाइन आ गई है, खजूर भी बढ़िया भुन गए हैं। सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे और बिल्कुल बढ़िया बंधे बंधे दिख रहे हैं। इससे हमारे लड्डू में ना बढ़िया बाइंडिंग भी आ जाएगी, तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको भी निकाल लेंगे। देखिए, सारी चीजें एक साथ मैंने इकट्ठी कर ली हैं। लास्ट में खुशबू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा जायफल यानी नटमैग। इसकी फ्लेवर भी अच्छा आता है, हेल्दी भी होता है। अच्छा, अभी नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाली है, हम सभी लोग व्रत रखते हैं, तो अगर एक लड्डू खा लेंगे दिन भर एनर्जी स्फूर्ति बनी रहेगी, शक्ति मिलेगी। तो अभी बना के रख लेंगे तो पूरी सर्दी खा पाएंगे। और इनको इस तरह बना करके आप आसानी से 2 महीने बाहर रख सकते हैं, और लंबा रखना चाहें लगभग 6-7 महीने के लिए तो फ्रिज में एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिए, ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। और बस यहीं पर इन सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स करेंगे। ये देखिए, सभी चीजें मैंने बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर ली है, और आप देख सकते हैं यहाँ किसी भी तरह के चीनी, गुड़, चाशनी, एक्स्ट्रा घी डालने की भी जरूरत नहीं, प्रॉपर बाइंडिंग हो रही है लड्डू की। ये देखिए, थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह लड्डू हाथ से बना लेंगे, बहुत ही इजी। ये देखिए कितने सुंदर हमारे लड्डू तैयार हुए हैं, सेहतमंद और सुंदर भी। और जब आप इस तरह से लड्डू रैपर पे इसे सर्व करेंगे ना, तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये आपने घर में बनाए हैं। आ रही है ना वो मिठाई शॉप वाले महंगे महंगे लड्डू वाली लुकिंग, तो सारे ही लड्डू बिल्कुल इसी तरह से तैयार करेंगे। इतने टेस्टी है कि बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे। बच्चों के परीक्षाओं के टाइम पर जरूर दें, क्योंकि एक्टिव रहता है इनको खाने से ब्रेन। ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, डिलीशियस वाले ड्राई फ्रूट्स लड्डू। जितने देखने में सुंदर, खाने में भी जबरदस्त टेस्टी, और सेहत का तो खजाना है ये। जितनी मात्रा मैंने ली थी उसमें लगभग, ये देखिए, लगभग 40-45 के करीब आपके लड्डू बन जाएंगे। वजन से बोलूं तो लगभग 1.5 किलो के करीब लड्डू बने हैं। तो बाजार के मल्टीविटामिन या दवाइयों में खर्चा ना करके आप इन्हें बनाइए, बेहद सेहतमंद है। तो पहले ही इस तरह बना करके रख लीजिए, फिर चाहे व्रत में खाइए या पूरी सर्दी खाइए। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत तरह के हेल्दी लड्डू की रेसिपी शेयर की हुई है, वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उन्हें देख करके आप वो हेल्दी लड्डू भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के ये स्पेशल ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।